ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आशीर्वाद भागवत के प्रार्थनाओं के प्रवचन सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। बाहर बहुत हैवी बरसात चल रही है, सो मैं मंदिर दर्शन के लिए गया हुआ था तो बीच में आने में विलंब हो गई, तो 10 मिनट गुजर गए 15। सो हम प्रार्थनाएं दक्ष प्रजापति कर रहा है हंस हुए प्रार्थनाओं के नाम से। अग मर्षण जगह पे विंध्या पर्वत में भगवान को प्रसन्न करना चाह रहा है, अपने बकरे के शरीर से मुक्त होना चाह रहा है। तो उस प्रार्थनाओं के अंतर्गत आज हम 28वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। मनीषिणो अंत्र हृदय सन्निवेशितम् स्वशक्ति भी नवभिश्चत्रे वृद्ध भी वहनीम यथा दारुणी पंचदश्यम मनीष्ण्या निरीक्षन्ति गूढ़ं सवई ममाशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूति सर्वनाम सच विश्वरूप प्रसीदताम अनिरोक्तात्मशक्ति। मनस्वी को कहते हैं जो बहुत विद्वान हो, यज्ञ आदि करने वाला हो, अथवा भक्त भगवान का भक्त भी हो, मनीष को कहते हैं। मनीषणी मननशील, मननशीणो मतलब आध्यात्मिक पथ में चलने वाला। अंतर हृदय सन्निविष्ट, जो सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। स्वशक्ति भी नवभिश्च त्रिविध, वो भगवान अपनी नव शक्ति और तीन और शक्तियों के साथ अपनी स्व वहाँ विराजमान है। बोला उसको कैसे देखेंगे, बोला वहनीम यथा दारुणी पंचदशम। वहनीम अग्नि को कहते हैं और दारु कहते हैं लकड़ी को, और पंचदश का मतलब 15 अक्षर का मंत्र है। कुछ विद्वान मंत्रों को जानते हैं, उनसे लकड़ी से अग्नि को प्रकट करते हैं। मनीषिया निष्कर्षन्ति गूढ़म, वही जो ऊपर मनीषी है, वही मनीषिया जब ऐसे साधन करते हैं तो निष्कर्षन्ति गूढ़म, जो हृदय में बहुत अंदर है, जिसको देखना मुश्किल है, हृदय में रहता है, उसको निष्क्रांति मतलब उसको निकाल लेते हैं। जो अदृश्य है, जो छुपा हुआ है, उसको निकाल लेते हैं। वो कौन है? सह वो परम पुरुष भगवान है। और सह वही मम अशेष विशेष माया। सह वो भगवान मेरी ओर पूर्ण रूप से अशेष विशेष सब विशेषताओं के साथ, और उनकी जो माया है उसका निषेध कर जब कोई कर लेता है तब भगवान का दर्शन कर सकता है।
निर्वाण कहते हैं दुखों से मुक्ति, सुख अनुभूति उसको परम सुख की अनुभूति होती है। वो भगवान सर्व नाम रूप, जो भी नाम रूप संसार में है माया के, परंतु माया भगवान की शक्ति है इसलिए वो सब भगवान के हैं। विश्व रूप, वो जो भगवान विश्व रूप है, प्रसिद्धतम हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, हमारे ऊपर कृपा करें। अनुरक्त, निरुक्ति कहते हैं वैसे डिक्शनरी को, अनुरक्त का मतलब जिसको किसी अपनी बुद्धि से अर्थ निकाल के समझा नहीं जा सकता। आत्मशक्ति वो सारी आध्यात्मिक शक्तियों का स्रोत है। मैं पहले इसमें श्रीधर स्वामी की हिंदी में टीका यथा रूप पढ़ लें तो हिंदी उनका सीधा है। यथा दारुणी, ये तो यथा दारुणी से आगे वाला श्लोक में होना चाहिए, मनीष नो हृदय दो, तो ये असल में 26-27 दो श्लोक साथ में है। जिस समाधि काल में प्रमाण और विप्रिय रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का, ये तो हो गया था 26वां, ये मनीषिणी नाम अंतरहिते, तो इसमें हाँ, जिस तरह वैदिक विद्वान काष्ठ में छुपी हुई अग्नि को 15 समाधिनी मंत्र के द्वारा प्रकट करते हैं, उसी तरह ज्ञानी पुरुष मतलब मनीषिणा अपनी 27 शक्तियों के भीतर छिपे हुए परमात्मा को हृदय में ढूंढ निकालते हैं। ये इस श्लोक का अनुवाद किया है श्रीधर स्वामी ने। अब कहते हैं, अब प्रश्न होता है कि समाधि काल में किन लोगों को प्राप्ति होती है। जो कल का श्लोक था कि समाधि में जब जागृत से, स्वप्न से, सुषुप्ति से ऊपर जब समाधि में जाएगा, मन की सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, तो हृदय में भगवान की अनुभूति करेगा। तो कहते हैं वो जो अनुभूति करेगा किन लोगों को प्राप्त होती है, तो इसके उत्तर में मनीषिणी इत्यादि दो श्लोकों को कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि विवेक की पुरुष जिस परमात्मा को विवेक बुद्धि के द्वारा जानकर ध्यान करते हैं, वे निर्वाण सुख अनुभूति स्वरूप परमात्मा, तो निर्वाण सुख अनुभूति कौन है, परमात्मा है। मुझ पर प्रसन्न हो, इस तरह से मुख्य वाक्य है। ढूंढ निकालने वालों को वे इस प्रकार से प्रतीत होते हैं। किसको निकालते हैं, तो कहते हैं, तो उसका उत्तर है कि अपनी शक्तियों में छुपे हुए परमात्मा को ढूंढ निकालते हैं। कितनी शक्तियां हैं, कितनी शक्तियों से, तो इसके उत्तर में के 27 उपाधियों से छुपे हुए परमात्मा को, 28वीं शक्ति रूप परमात्मा को, 27 शक्तियों से 28वीं शक्ति स्वयं परमात्मा को प्रकट करते हैं। अथवा प्रकृति, पुरुष, अहंकार, पंच तन मात्राएं, सतो रजो तमो गुण और त्रिगुणों से होकर 27 उपाधियों के तथा चकारता 16 विकारों से परमात्मा को प्रकट करते हैं। प्रश्न है कि कैसे परमात्मा को प्रकट करते हैं, तो उसका उत्तर है अपनी बुद्धि के द्वारा हृदय में निश्चल किए गए हैं। प्रश्न है कि कैसे परमात्मा को प्रकट करते हैं, इसका उत्तर है कि अपनी बुद्धि के द्वारा हृदय में निश्चल किए गए परमात्मा को प्रकट करते हैं। उसी तरह जिस तरह 15 समाधिनी मंत्रों से वैदिक गुण काष्ठ में छुपी अग्नि को प्रकट करते हैं, ज्ञानी पुरुष मैं इस शब्द से कहे जाने वाले आत्मा से भिन्न परमात्मा को प्रकट करते हैं। तो ये अनुवाद और टीका है श्रीधर स्वामी की। अब श्री प्रभुपाद जी का भावार्थ और अनुवाद पढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद जी के, जैसे विद्वान ब्राह्मण
जो यज्ञ करने में कुशल होते हैं वो अग्नि को लकड़ी से 15 समाधिनी मंत्र उच्चारण करने से प्रकट कर लेते हैं। उससे वो वेद मंत्रों की प्रमाणिकता, उसकी जो शक्ति है उसको प्रस्तुत करते हैं या प्रूफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे ये कौन कर सकता है, जो आध्यात्मिक उन्नत है वही कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में जो कृष्ण भावना भावित है वो परमात्मा को, अब वो परमात्मा को जो अपनी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से हृदय में विराजमान है उसको ढूंढ लेते हैं। अब हृदय किससे ढका हुआ है, बोले 3 प्रकृति के गुणों से और 9 प्रकृति के, और भौतिक प्रकृति, और भौतिक प्रकृति इसका मतलब प्रधान और महत्त्व, और फिर अहंकार, फिर मन, और 5 जो है तन मात्राएं मतलब रूप रस गंध आदि, और उसके साथ 5 तत्व पृथ्वी आकाश वायु आदि, और 10 इंद्रियां। तो ऐसे सब ये 27 होते हैं। ये है प्रकृति का सारा विस्तार। वैसे प्रायः हम 24 तत्व कहते हैं, यहां 27 लिखे हैं। तो इसको गिनती ऐसे करेंगे तो 5 भूत, 10 इंद्रियां 15, 5 इंद्रियों के विषय 20, 20 तो ये हो गए, और मन बुद्धि अहंकार ये 23 हो गए, महत्त्व 24 हो गया, 25 26 27 ये 3 गुण प्रकृति के इसके अंदर जोड़े हैं तो 27 हो गया। तो इस प्रकार से ये 27, और जो महान योगी है वो अपने हृदय में परमात्मा को जो छुपा हुआ है उसको प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। जब कोई मुक्ति का इच्छुक है किससे, माया से, तो वो भगवान को हृदय में देखने का प्रयास कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी मुक्ति केवल भगवान की प्रेममयी भक्ति से ही संभव है, क्योंकि सेवा का भाव ही भगवान की कृपा को प्राप्त करने में सहायक है। भगवान को बहुत से नामों से पुकारा जा सकता है। नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति महाप्रभु ने कहा है, और वो अचिंत्य हैं, वो इंद्रियों से परे हैं भगवान के नाम, तो वो भगवान हमसे कब प्रसन्न होंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं जैसे मंत्रों से लकड़ी में से अग्नि विद्वान पंडित पुरुष प्रकट कर सकते हैं शुद्ध भक्त, उसी प्रकार शुद्ध भक्त श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के साधन से अपने आंखों के सामने 9 और 3 आध्यात्मिक शक्तियां प्रेम भक्ति से प्रकट कर सकते हैं। ये चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य थोड़ा सा अलग है। वो कह रहे प्रेम भक्ति से श्रवण कीर्तन आदि से भक्त उस भगवान को वैसे ही प्रकट करते हैं जैसे विद्वान लोग अग्नि को लकड़ी से प्रकट करते हैं। उसमें 9 शक्तियां और 3 शक्तियां भगवान की। भगवान की हमारे को अनुभूति हो, आनंदमय भगवान की अनुभूति हो, और माया से जो मुक्त है उस भगवान की अनुभूति हो। जितने भी नाम रूप संसार में है प्रकृति के हैं, परंतु भगवान उन सब से परे है, और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति हमारे मन और वचनों से परे है, वो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। चक्रवर्ती पाद कहते हैं जो कल हमने बात की थी इससे पहले श्लोक में कि 2 प्रकार की भगवान की अनुभूति है, स्वज्ञ और दुर्ज्ञ।
स्वज्ञ का मतलब आसानी से होने वाली, दुर्ज्ञ का मतलब थोड़ी मुश्किल से होने वाली। तो ये जो श्लोक है दुर्ज्ञ, वो है भक्ति के द्वारा साक्षात भगवान की अनुभूति, उसका वर्णन कर रहा है। वो कहते हैं ये दुर्ज्ञ है जो भगवान की अनुभूति है, उसका वर्णन किया जा रहा है, जिसमें भगवान के नाना प्रकार के गुण हैं और जिसको जानना मुश्किल है। शुद्ध भक्त, मनीषिणी का अर्थ लिखते हैं शुद्ध भक्त, प्रेम भक्ति के साधन से हृदय में भगवान को प्रकट करते। कैसे करते हैं? बोले श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति के द्वारा उस गुप्त भगवान को प्रकट करते। तो कहते हैं हृदय में प्रवेश कैसे हुआ, तो एक श्लोक का उल्लेख करते हैं भागवत से। प्रवेश करण रंध्राणाम स्वानाम सरोरवम धुनोति समलम कृष्णा सलिलस्य यथाचर। शरण आदि से भगवान कान के द्वारा हृदय में प्रविष्ट होते हैं और श्रवण करने वाले के हृदय के सारे मैल को धो देते हैं, जैसे शब्द ऋतु की बरसात तालाबों के पानी को, मिट्टी वाले पानी को साफ कर देती। और भगवान को हृदय से खींचकर भक्त जो है भगवान की मधुरता अपने आंखों से उनका दर्शन करके, कानों से उनकी बांसुरी को अथवा उनके मधुर वाणी को सुनकर, नासिका से उनके सौरभ विशेष निकलती है चरणों से उनको सुनकर आनंद लेते हैं। वो कैसे भगवान को ऐसे प्रकट करते हैं? बोले भगवान की चित्त शक्ति के द्वारा, स्वशक्ति भी। चित्त शक्ति का अर्थ है जो शक्ति हमको भगवान की अनुभूति कराए, चित्त ज्ञान की परिभाषा है, जो कृष्ण का ज्ञान कराए, कृष्ण की पहचान कराए। और दूसरी नौ शक्तियां कौन सी है, उनके लिए कहते हैं विमला आदि। ये शक्तियां भक्ति हरि भक्ति विलास में श्रीपद सनातन गोस्वामी ने 6-19 श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, पीठ पूजा के लिए ये शक्तियों, नौ शक्तियों का नाम है विमला, उत्कर्षणी, ज्ञान, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना और अनुग्रह। ये भगवान की विशेष नौ शक्तियां हैं और इसके अतिरिक्त तीन और शक्तियां हैं, और वो तीन शक्तियां हैं हलादिनी, संधिनी, संवित। संधिनी भगवान का अस्तित्व है, संवित भगवान का, यही चित्त शक्ति संवित कहलाती है जो भगवान की पहचान करती है, और हलादिनी आनंदमयी। तो नौ और ये तीन, ये नौ का नाम है विमला, उत्कर्षणी, ज्ञान, क्रिया, योग, प्रहवी और सत्या, ईशाना और अनुग्रह। विष्णु पुराण में इन तीन शक्तियों का वर्णन ऐसे है, हलादिनी सनिधि संवित्वै एका सर्वसंशरय, हलाद तापकरी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जते। भगवान आपकी तीन शक्तियां हैं, हलादिनी शक्ति है, संधिनी शक्ति है, संवित शक्ति है। और जो संसार में हलाद और तात्पर्य, सुख और दुख का जोड़ा है, मिला हुआ, वो उनसे आप बहुत परे हैं। अब कहते हैं कैसे वो देख निकालते हैं, बोले जैसे विद्वान पंडित लकड़ी से 15 मंत्रों वाला समिधिनी मंत्र से अग्नि को प्रकट करता है। वो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, जिनकी आध्यात्मिक शक्तियां अनंत है, जिनको समझना सरल नहीं है, वो एकमात्र भक्ति के द्वारा अनुभूति की जा सकती है। फिर भी भगवान की मधुरता और शक्ति अनंत है, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, ये श्लोक हमने कल भी पढ़ा था, गुणात्मनस्ते अपि गुणान् विमात्म हित्वावते वरत्रिनस्य कईशरेयस्य काले नयवाविमितः सुकल्पै भूपान् शवहखे मिहकाद्यो भासस्त। बड़े बड़े विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, बहुत जन्मों के चिंतन के बाद
हो सकता है धरती के मिट्टी के कणों को गिन लें, बर्फ के टुकड़ों को के कणों को गिन लें, आकाश के तारामंडल में कितने ग्रह हैं इसकी गिनती कर लें, अथवा सूर्य के प्रकाश में कितनी आभा है, द्यूभास है, सूर्य में कितना प्रकाश है, और मिहाका खे मिहाका आकाश में कितने सारे तारे हैं, इन सब की गिनती कर लें, परंतु भगवान आपके गुणों की नाप दंड और गणना करना संभव नहीं है। आप ही स्वयं प्रकट होकर धरती के ऊपर जीवों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। जो भगवान का ये सगुण रूप है, सविशेष और साकार रूप है, उसमें कोई भौतिक गुण नहीं है, निर्वाण सुख उनका सुख, भगवान का ये कितना ऐसा सुखमय रूप है जिसमें कोई वाण नहीं है। वाण का मतलब बाण, बाण का मतलब तीर, इसका मतलब दुख, न शारीरिक दुख है न मानसिक दुख है जो हृदय को विदीर्ण करते हैं। भगवान को बड़ी प्रसन्नता से सुखपूर्वक भगवान की अनुभूति की जा सकती है, कोई दुख नहीं है। जैसे भगवद गीता में कहते हैं सुसुखम सुसुखम कर तुम अव्ययम, सुख से भगवान की अनुभूति की जा सकती है, माया का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ सकता है। भक्ति में विष्णु पुराण में कहा है, जब जो पहले श्लोक कहा था, हलाद ताप करी मिश्र त्वई न गुण वर्जिते, भगवान आप में कोई ऐसा भौतिक गुण नहीं है जो सुख और दुख संसारियों की तरह दर्शा सके, नहीं, आप इनसे परे हैं। जो भी संसार में नाम रूप है, ब्रह्मा से लेके घास तक, वो सब भगवान के हैं। बोला क्यों? बोला वो सब भगवान की शक्ति के हैं, और भगवान की शक्ति भगवान की है, इसलिए सब भगवान के हैं। भले ये भौतिक जगत माया का बना हुआ है, पर माया तो भगवान की शक्ति है, ये भगवान की स्वरूप शक्ति से तो बिल्कुल अलग है, परंतु है भगवान की शक्ति, माया है। भगवान की अपनी शक्ति है, स्वरूप शक्ति, वो जो भगवान की स्वरूप शक्ति है उसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, ये वो अनुरिक्त है। अब श्री प्रभुपाद जी इस तात्पर्य को और सरल कर रहे हैं, आरंभ में ही लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको दुर्गमय जो जो कठिन भगवत अनुभूति है उसका उदाहरण श्लोक को दिया है। ये शुद्ध अस्तित्व की पहचान है, जिसको भगवत गीता में कहा है, किसका शुद्ध अस्तित्व है, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, जिनके पाप पुण्य कर्मों से, यहाँ ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य पुण्य कर्मों से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वो द्वंद्वों से मुक्त होकर, मेरा तेरा से मुक्त होकर भगवान का दृढ़ता से भजन करते हैं। ऐसे जो भजन करने वाले भक्त हैं वो ये अनुभूति कर सकते हैं। फिर कहते हैं भगवद गीता में आगे भी कहा है कि कैसे भजन करते हैं, कोई पूछे तो सततम कीर्तनयन्तो माम यततश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, वो निरंतर भगवान का कीर्तन करते हैं, बड़े बड़े व्रत धारण करके यत्न करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान के साथ सेवा में सदा ही जुड़े रहते हैं। और ये भी भगवद गीता में लिखा है कि भगवान को केवल बहुत कम लोग जो दिव्य स्तर पे है वो ही जान सकते हैं, सब नहीं जान सकते, इसलिए उसको मुश्किल कहा गया। मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धे यत्नाम भी सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, हजारों में कोई एक है जो आत्मा का जिज्ञासा करे, परंतु उससे भी मान वो है जो भगवान के तत्व को जान सके, वो दुर्लभ है। तो भगवान को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, परंतु भक्ति का साधन इतना सिद्ध और शुद्ध है
अगर उसको नियम से पालन किया जाए तो आध्यात्मिक स्तर में आकर भगवान को समझना सुलभ और सुगम हो जाता है। ये भी भगवद गीता में ही वर्णित है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। तत्व से तो मेरे को केवल भक्ति जान सकते हैं, तब वो मेरे धाम में प्रवेश करके मेरी सेवा में लग सकते हैं। तो भले ये दुर्गय कहा गया है, मुश्किल कहा गया है, बहुत कठिन रास्ता है, परंतु ये आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, जब भक्ति के नियमों का ठीक तरह से पालन किया जाए। तो भगवान के संसर्ग में आ सकते हैं शुद्ध भक्ति के द्वारा, और वो भक्ति शुरू होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। इस विषय में विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर लिखते हैं, भागवत से प्रवेश कर्ण रंध्राणाम, इसका मतलब भगवान की कथा सुनेंगे श्रद्धा से, जैसे आप हम लोग प्रतिदिन भागवत के कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये हमारी श्रद्धापूर्वक उत्साहपूर्वक जो श्रवण में रुचि है, इसी भागवत से भगवान हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे और देखेंगे इसको मेरी कथा सुनने में रुचि है, परंतु बेचारे को कई जन्मों के संस्कारों के कारण हृदय शुद्ध नहीं है, तो भगवान हृदय को धो के साफ कर देंगे। ये श्लोक यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है। बोला भगवान को पहचानेंगे कैसे? बोला जो आपका भाव है, भाव सरोरो हम, सरोरो कहते हैं हृदय कमल में, आपने भगवान को अगर बेटा मान के रखा है तो बेटे के रूप में आएगा, मित्र मान के रखा है तो मित्र के रूप में आएगा, स्वामी मान के रखा है तो स्वामी के रूप में आएगा, प्रेमी मान के रखा है तो प्रेमी के रूप में आएगा, जो आपका भाव है उसी में भगवान प्रकट होंगे। तो श्रवण कीर्तन से भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं और ये श्रवण कीर्तन हमारे को आगे बढ़ा के प्रेम की स्थिति पे ले जाता है, और जब भाव के ऊपर पहुंचते हैं, भाव जब परिपक्व हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो फिर भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं की अनुभूति होने लगती है। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति के द्वारा परम पुरुष भगवान को सारे बाधाओं को पार करता हुआ, वो सारी बाधाएं क्या है, माया के द्वारा संसार में बहुत रुकावटें, उनको पार कर जाए और बहुत आसानी से इन सब रुकावटों से निकल कर भगवान से सीधे संपर्क में आ जाए। तो ये रुकावटें कौन सी है? प्रभुपाद जी ने कहते हैं वो रुकावटें हैं माया की, ये जो 27 गिनती किया था प्रकृति के, वो सब रुकावटें हैं। तो ये रुकावटें कौन सी हैं, बाधाएं कौन सी है, जो इस श्लोक में बता गया है भगवान की जो शक्ति है माया शक्ति के द्वारा जो 27 तत्व है वो सारे। और उस वक्त भगवान को ऐसे प्रार्थना करेगा भक्त, ये चेतना महाप्रभु की शिक्षा अष्टकम का श्लोक कहा जा रहा है, ऐनंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवां बुधौ कृपया तव पाद पंकजस्थित धूलि सदर्शं विचिन्तया। हे नंद तनुज, हे नंद नंदन कृष्ण, मैं आपके चरणों का दास हूँ, दासों के दास हूँ, किसी कारण से भव सागर में गिर पड़ा, कृपा करके आपके चरणों की धूलि के एक कण के समान मुझे स्थान दीजिए। भगवान भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं तब उसके रास्ते की सारी भौतिक बाधाओं को हटा देते हैं और अपनी आध्यात्मिक सेवा में लगा देते हैं। इस विषय में श्री विश्वनाथ ठाकुर ने ये भगवान की 3 शक्तियों का वर्णन किया है, हलादिनी संतनी संवित त्वयि एका सर्वसंस्थितौ, हलाद ताप करी मिश्रा त्वयि को नो गुणा वर्जे वर्जिते। भौतिक जगत में
भगवान की आध्यात्मिक शक्ति ताप करी दुख देने वाली है। सब दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं, परंतु सुख तो आता है भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा, परंतु भौतिक जगत में भौतिक कार्य है और भगवान की जो माया शक्ति है वो दुख का कारण होती है। हलाद ताप करी, झूठा सुख जो भौतिक जगत का है वो दुख का कारण है, परंतु जब कोई सुख के लिए प्रयास करता है तो उसको कहा जाता है भगवान को प्रसन्न करो। बृजना भगवान प्रसन्न हो गए, ताप करी जो शायद दुखदायी शक्ति है उसको नाश कर देते हैं। इस विषय में उदाहरण दिया है कि लकड़ी से कैसे अग्नि को निकाला जाता है, निकलती मुश्किल से, परंतु एक बार निकल जाए तो लकड़ी को भस्म कर देगी। दूसरे शब्दों में भगवान की अनुभूति हो जाए जो करना बहुत मुश्किल है, परंतु एक बार हो जाए और वो केवल एकमात्र भक्ति से हो सकती है और कोई साधन नहीं है, उसके उपरांत सब चीजें आसान हो जाएंगी। भक्त को कोई कष्ट कठिनाई नहीं है, सब दुख और रुकावटें और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और भगवान से मिलना सरल हो जाएगा। इस मंत्र में प्रार्थना है कि भगवान भौतिक गुणों से परे है इसलिए वो अचिंत्य है, और भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान हमसे हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ और वो प्रसन्नता आपकी हमारे लिए आसानी कर देगी, सरलता सुगमता कर देगी, आपके दिव्य रूप को और आपकी दिव्य शक्तियों की अनुभूति करने के लिए। जो अब भक्त हैं भगवान का ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं, अथवा नेति नेति करके ज्ञानी लोग निषेध निर्वाण सुखानुभूतिया, वो तो नेति नेति करते हैं, परंतु निषेध निर्वाण सुख अनुभूतियाँ ये भक्तों के लिए, ये भक्त जो है वो तो आसानी से केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान के नाम गुण रूप का वर्णन करके ऐसे बड़ा प्रयास नेति नेति का उसको त्याग देते हैं और भगवान के अस्तित्व को आसानी से समझ लेते हैं। 29वां श्लोक पढ़ रहे हैं। यद्यं निरोक्तं वचसा निरोपितं धियाक्षिभिवा मनसो मनसो ततस्य मा भूतः स्वरूपं गुणरूपं हितत् सवै गुणापाय विसर्ग लक्षणै। 29, 30, 31 तीनों श्लोकों में लास्ट में कहा गया है कि भगवान आपको नमस्कार कर रहे हैं, तो ये तीन श्लोक आपस में जुड़े हुए हैं। यद यन निरुक्तम, जब उस भगवान को कोई वर्णन करता है, निरुक्त का मतलब उसको समझाना चाहता है, तो समझाएगा किससे, वाणी से, वचसा, उसका निरूपण कैसे करेगा, वाणी से करेगा या धिया बुद्धि से करेगा या अक्षी भी या इंद्रियों से करेगा वा या अथवा मन से करेगा, विचार चिंतन करेंगे, परंतु ये तो सारे भौतिक हैं, मा भूत नहीं कर पाएगा, स्वरूपम गुण रूपम ही तत्त, ये तो सारे भौतिक प्रकृति के, इनसे भगवान का कैसे वो चिंतन कर सकता है। सवई गुणापाय विसर्ग लक्षणा, भगवान तो इंसानों से परे है, तो इसका हम पहले पढ़ते हैं अपने श्रीधर महाराज के हिंदी में अनुवाद को। हाँ जी, हरे कृष्ण। जगत में जितनी भी भिन्नताएं हैं सबकी सब माया की है, इस माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। उन परमात्मा के ही सभी नाम हैं और उस परमात्मा के ही सारे रूप हैं, किंतु विचार करने पर परमात्मा की माया की उपलब्धि नहीं होती है। ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो, ये है 27वें श्लोक का दूसरा भाग, 28वां जो हम पढ़ाए हैं। अब ये अभी जो हमने पढ़ा है
हे भगवान, जो कुछ भी वाणी से कहा जाता है अथवा मन बुद्धि तथा इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वो आपका स्वरूप नहीं है, वो तमोगुण रूप ही है। आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान है, इसका मतलब आपसे ही निकलते हैं, आप में उनकी प्रतीति मात्र होती है, वो आप में है नहीं। और इसका भावार्थ लिखते हैं भाव प्रकाशिका। प्रश्न है कि यदि स्वरूपतः स्थित रूप से परमात्मा की प्रतीति होती है तब तो परमात्मा के सर्व नाम तत्व तथा विश्वरूपतः ये दोनों अनुपन्न हो जाएंगे, क्योंकि स्वरूप तो वाणी आदि और विषय का विषय नहीं है। इस प्रकार की आशंका करके कहते हैं, कोई कहे कि आपने कहा कि भगवान के गुण रूप है और परमात्मा और ये इसको बोला, ये तो वाणी से हो जाएगा, तो इसको इसके लिए कहते हैं स्वरूप स्वत सभी शब्दों का वाच्य अथवा प्रतीक्षादि परमाणु का विषय वस्तु भले ही न हो फिर भी माया के द्वारा तो ये सब संभव है ही। इस अर्थ का प्रतिपादन तीन श्लोकों के द्वारा 29, 30 और 31 द्वारा करते हुए नमस्कार करते हैं। हाँ, वो 31वें श्लोक में नमस्कार है। यद्यतः इत्यादि ये श्लोक है, अर्थात जिसका वाणी से अभिधान होता है तथा बुद्धि इंद्रिय तथा मन के द्वारा निरूपण किया जाता है वो आपका स्वरूप इसलिए नहीं हो सकता कि आत्मा तो स्वप्रकाश है। वो स्वरूप इसलिए नहीं हो सकता है कि वो सब तो विभिन्न गुणों का ही रूप है। पाठांतर में अर्थ होगा कि गुणों के द्वारा बढ़ा हुआ है। आत्मा तो गुण से भिन्न है क्योंकि आत्मा को गुणों की उत्पत्ति तथा प्रलय का आश्रय माना जाता है। चेतन रूप अधिष्ठान के बिना न तो गुण की उत्पत्ति हो सकती है और न तो उनके संहार ही संभव है, अथवा जिसका स्वरूप नहीं होता है उसको नमस्कार नहीं है। इस तरह से 31वें श्लोक में अनव्य है, वहाँ तक जाएंगे तब समझ में आएगा। तो ये हिंदी में हमने पढ़ा कि क्योंकि ये थोड़ा भाषाएं हैं कठिन, इसका अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं किसी भी वस्तु का वर्णन अगर वाणी से किया जाए अथवा बुद्धि से उसका निरूपण किया जाए, इंद्रियों से उसको देखा जाए या सुना जाए, मन से उसका चिंतन किया जाए, तो ये सब तो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत ही आता है, गुणों के अधीन है, इसलिए ये भगवान का स्वरूप इनके द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। भगवान भौतिक जगत से ही परे है, वो तो इन सार ये जिनका हमने वर्णन किया, वाणी गुण, वाणी हो या जो है बुद्धि हो या मन हो या इंद्रियां हो, इन सब का उद्गम है, जो भौतिक सृष्टि का उत्पत्ति वही करता है, उनका उद्गम स्थान वही है और उसी में लीन होती है, वो तो आदि कारण है सबका, वो तो सृष्टि से पहले था और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगे। और इसलिए हम भगवान को प्रणाम करते हैं जो यहां नहीं है, 31वें श्लोक से प्रणाम लिया है। चक्रवर्ती बात कहते हैं हम आदर पूर्वक भगवान को आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं, जिनके स्वरूप को वाणी से बुद्धि से इंद्रियों से मन से वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सब भौतिक प्रकृति की ही उत्पत्ति है और भगवान उसके कारण है। तो यहां जो शब्द बुद्धि है और ये सब कुछ तो वो प्रकृति है और प्रकृति माया है, वो 27वें बुद्धि भी आई थी जो हो माया जो तत्व है प्रकृति के, इसका मतलब जिसका निर्णय यहां किया गया वो सब माया है, वो भगवान का रूप नहीं हो सकता, ये इस श्लोक में वर्णित है।
यहां बताया गया जो बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा समझा जाए, इंद्रियों के द्वारा समझने का प्रयास किया जाए, मन के द्वारा जिसका चिंतन किया जाए, वो भगवान का रूप नहीं हो सकता। और इस श्लोक का 31वें श्लोक तक संबंध है। तो मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जिनका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जितने भी रूप हैं वो गुणों ने बनाए हैं और भगवान गुणों से परे हैं। वो गुणों की उत्पत्ति करता है और गुणों का विनाश भी करता है, जो सृष्टि करता है और प्रलय भी करता है, जो सृष्टि से पहले थे और सृष्टि के बाद में भी रहेंगे। अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं परंतु उपनिषदों में श्रुति में इसके विपरीत श्लोक भी है। वो श्लोक क्या कहते हैं? एक श्लोक है और ये श्लोक श्रुति स्मृति, एक श्लोक है श्रुति का, कठ उपनिषद का श्लोक है। अत्र दृश्यते त्वा अग्रयाय बुद्ध्या, इसका अर्थ है बुद्धि से भगवान का दर्शन किया जा सकता है। एक और श्लोक है आगे बृहदारण्यक के उपनिषद का, उसमें कहा गया है मनसा एवानो दृष्टवया, भगवान को मन से देखा जा सकता है। फिर एक और श्लोक है श्वेताश्वत्र उपनिषद से जो कह रहा है तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, जिस भगवान को जानने से मृत्यु से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। और बृहदारण्यक के उपनिषद का एक और श्लोक है आत्मा वारे मन्तव्यः, भगवान का ध्यान करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। किससे करना चाहिए? मन से, इंद्रियों से। अब एक श्लोक है भागवत का तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च भगवान निर्णाम। हे राजन, इसलिए सब समय सब जगह बिना किसी रुकावट के भगवान का श्रवण करे, कीर्तन करे और स्मरण करे। किससे होगा? मन से होगा। कीर्तन किससे होगा? वाणी से होगा। श्रवण किससे होगा? कान से होगा। और सुमरण किससे होगा? मन से होगा। तो जब यहां कहा जाता है कि भगवान वाणी से भगवान का वर्णन नहीं हो सकता है, उसका अर्थ है वो वाणी जिसको भगवान अनुग्रह नहीं करते वो भगवान का वर्णन नहीं कर सकती। वो वाणी जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो, भगवान जिसका फेवर करें, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो, वो वाणी भगवान का वर्णन कर सकती। तो श्रुति जब ये कहती है कि बहुत बड़े ध्यान से बुद्धि से भगवान को समझा जा सकता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है केवल बुद्धि से, इसका अर्थ है कि ध्यान पूर्वक बुद्धि से। कौन सी बुद्धि? स्थित प्रज्ञा से। वो बुद्धि जो गुणों से ऊपर उठ चुकी है। अत श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय ही सेवान मुख्य जीवादव स्वयमेव स्फुर्त्यध, भगवान के नाम रूप गुण को वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। परंतु जब प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, नाम जपते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो भगवान कृपा करता है, तो फिर उसकी अनुभूति भगवान अपने आप करा देता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको पूर्ण रूप से वर्णन करना संभव है ही नहीं। तो यहां एक और उदाहरण है यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, शब्द और मन भगवान तक नहीं पहुंचते हैं, वापस लौट आते हैं। ये तैतृय उपनिषद है। इसका मतलब है जो यत शब्द है इसमें
उसका मतलब है मन और वाणी भगवान तक पहुंच नहीं सकती, समझ नहीं सकती, क्योंकि उनमें अभी तक लोभ नहीं है भगवान को पाने का। ये लाइन लिखा, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनल ग्रीड इन द वर्ल्ड्स एंड माइंड। मन के अंदर अभी लोभ है। कौन सा लोभ है? जगत का लोभ है। क्या कारण है मालूम नहीं, क्लियर नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति अपने ओर से कोई नाम, कोई रूप, कोई गुण और कोई पूजा की सामग्री भगवान के लिए बना लेते हैं, वो भगवान को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारी कल्पना से बने हुए नूम्र नाम रूप गुण पूजा से परे। भगवान सबके ही सर्जनहार हैं, सबकी सृष्टि करता है। इसका अर्थ है कि सृष्टि से वो पहले थे। दूसरे शब्दों में भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप भौतिक प्रकृति से परे है। भौतिक जीवों ने उनका नाम गुण रूप नहीं रखा है। ये अजामिल के लिए जब यमदूतों ने कहा कि इसने अपने बेटे का नाम नारायण लिया, तो विष्णु दूत ने कहा नारायण का नाम संसार का नहीं है, वो नाम वैकुंठनाथ नारायण का है। ये नाम संसार का नहीं है, संसार में नारायण दास होता है, नारायण नहीं हो सकता। नारायण केवल हमारा स्वामी है, भगवान। तो ये ना हमने जिनके नाम दिए, प्रभुपाद जी कहते हम किसी को नाम नहीं देते, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कटाक्ष में कहते हैं, जो आगे कहेंगे, दरिद्र नारायण। इसलिए मानसिक लोगों के बनाए हुए नाम, वाणी, विचार, उनसे भगवान का कभी निरूपण नहीं हो सकता। इसलिए अत श्री कृष्ण नाम आदि श्लोक से इस बात का भक्ति सामर्थ सिंधु और चेतन चैतन्य में पुनः ये बात कही गई। अब प्रभुपाद जी क्या प्रसंग चल रहे हैं, कहते प्रचेतास, प्रचेता मतलब प्रचेताओं का पुत्र दक्ष यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं उस दिव्य भगवान को जो भौतिक सृष्टि से परे है। केवल मूर्ख और बदमाश, प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो समझते हैं कि भगवान भी एक भौतिक सृष्टि का अंग है। इसका भगवद गीता में बहुत निंदा की गई है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यं तर्माश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूतम ऐश्वरम, अवज्ञा करते हैं मेरी। अगर नहीं जानते तो उसको जानकारी दी जा सकती थी, परंतु अवज्ञा करते हैं, अवहेलना करते हैं, बुरा भला कहते हैं, मूर्ख मेरे को नहीं जानते। वो समझते हैं कि मेरा शरीर भी उन जैसा मानव का शरीर है, हाड मांस का है, मेरे परम भाव को नहीं जानते। मैं सारे प्राणियों का स्वामी हूं, ये वो नहीं जानते। इसलिए ज्ञान भगवान से प्राप्त करना चाहिए। इसलिए ज्ञान उस व्यक्ति से लेना चाहिए जिसको भगवान ने अपने विषय में अनुभूति कराई है, जिसके लिए हम कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से उपदीक्षण ज्ञानी नाम तत्व दर्शन। जो तत्व का दर्शन कर चुका है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है, उससे सीखना चाहिए। प्रभुपाद श्रीपद शंकर आचार्य भले निराकारवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी थे, परंतु उन्होंने कभी नारायण को भौतिक नहीं कहा है। कहा नारायण परो अव्यक्ता, नारायण तो संसार से परे है। नारायण को भौतिक नहीं कह सकते। प्रभुपाद जब कहते दरिद्र नारायण कहने वाले के, नारायण गरीब हो गया, कभी भगवान गरीब, लक्ष्मीपति कभी गरीब हो सकता है? क्या आध्यात्मिक जगत में कोई गुर्बत है, लोग भीख मांग रहे हैं? ये दरिद्र नारायण जो है, ये लोगों का बनाया हुआ नाम है, ये नाम भगवान का नहीं। दक्ष यहां बड़े सावधानी के साथ कह रहे हैं, बहुत सावधानी से ये इस बिंदु के ऊपर बहुत बड़ा वजन दे रहे हैं कि भगवान भौतिक सारे उपाधियों से परे है।
यद्यं निरुक्तम वचसा निरूपितम। निरुक्त का मतलब है वैदिक डिक्शनरी, वेदों की डिक्शनरी, उसके द्वारा भगवान को नहीं जाना सकता है, हम उसका अर्थ अपना निकालें उस नहीं चलेगा। और दक्ष प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं आपके भगवान नाम रूप मेरे पूजा का साधन हो, ऐसा मैं नहीं कहता, आप तो प्रकृति से पहले थे, जैसे वेदों में वर्णन है यतो वाचो अन निवर्तते अप्राप्त्या मानसा सह, ये हम पढ़ के आए वही है। भौतिक वचनों से भगवान का निरूपण नहीं किया जा सकता, परंतु कोई आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाए उसके बाद भौतिक और आध्यात्मिक सब सुविधाएं हो, ये वेदों में लिखा है, तब में विदित्वा मृत्युम, वो फिर मृत्यु से भगवान की कृपा से ऊपर उठ जाएगा। ये भगवद गीता में भगवान कहा दी कह दिया है जन्म कर्म च मे देवे में एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देव पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे रूप को मेरे जन्म को दिव्य मानता है, मेरी लीलाओं को दिव्य मानता है, वो मेरे पास आ जाएगा। सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कीर्तव्यश्च स्मृतव्यश्च इच्छतो अभयम्। ये साधन भक्ति का श्लोक है, इसलिए जिसको भय से मुक्त होना हो चाहिए वो भगवान की कथा सुने, श्रवण करे, कीर्तन करे और सुमरण करे। यह हमारा कथा आज की कथा विराम पे पहुंचती है। हरे कृष्ण। कल यहाँ से आगे 31वां श्लोक पढ़ेंगे, 30वां। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। एक चीज नहीं क्लियर हो रही कि जैसे अभी श्लोकों में हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा कि आइए आइए खुला है आइए। हाँ जी हरे कृष्ण। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी। जैसे भी हमने सुना कि वर्ड्स या वाणी या इनसे हम कनेक्ट नहीं कर सकते, तो जब एक नया इंसान या नया भक्त या नियोफाइट चैंटिंग शुरू करता है वो कैसे कनेक्ट कर पाता है? हरे कृष्ण। इसके लिए हमारे पास लिखा ये है कि जैसे लोहा अग्नि में डालने से गर्म होके वो लोहे का काम कर आग का काम करता है, ऐसे एक जो शब्द आया था चक्रवर्ती पाद की टीका में, जिस वाणी के ऊपर भगवान की कृपा होगी वही वाणी भगवान का अनुभूति कर सकती है। इसलिए हम एक श्लोक प्राय रोज सुबह मंगल आरती के बाद जप करने बैठते हैं, तब कहते हैं बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तभी न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ऐसे वाणी से केवल मैकेनिकल हरे कृष्ण बोलते रहेंगे तो कृष्ण के चरणों का प्रेम धन नहीं मिलेगा। इसका मतलब भगवान, ये नाम ही भगवान है, वो जब कृपा करेगा तो फिर जपने वाले के हृदय में रुचि उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब है भौतिक चीज़ों को आध्यात्मिक किया जा सकता है, और वो आध्यात्मिक करने का साधन है। जैसे जैसे हम कहते हैं साधन भक्ति भी तो इंद्रियों से होती है ना, तो जो चीज़ इंद्रियों से होगी वो आध्यात्मिक कैसे हो सकती है? वो कहते हैं यज्ञ करने से पहले जो सामग्री रखते हैं वो यज्ञ तो नहीं है, परंतु वो यज्ञ के अंतर्गत आती है क्योंकि उससे यज्ञ होता है। तो ये साधन भक्ति के अंगों से प्रेम वो भाव भक्ति को जगाना है जो भौतिक नहीं है। अगर हमारे साधन भक्ति प्रेम भक्ति को जगाने के लिए है, उसको जगा ले तो आध्यात्मिक हो गया, वहां तक जब नहीं पहुंचते तब तक भौतिक है। इसीलिए वो भाव भक्ति सुदुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ठीक है प्रभु जी, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं फिर कि एक कोई नया इंसान जो मंदिर आएगा या कृष्णा कॉन्शियस में स्टेप इन कर रहा है, वो शुरू करता है जप करना, तो क्या वो उसके ऊपर भगवान की कोई कृपा होगी तभी वो इस प्रोसेस को भी लेट्स से रिफाइन कर पाएगा? इसके लिए तो भक्त साहब सिंधु ने लिखा है कई जन्म के उनके पुण्य इकट्ठे हुए हैं,
तब उसको अच्छा ये सौभाग्य मिला है, भक्तों का संग मिला है, अब उसकी भक्ति का शुभारंभ हो गया है, अब उसको जी थोड़ी जी रुचि जी है। ये है कि साधन भक्ति में प्रवेश का अधिकार उसका मिला है, अब उसको आगे ठीक हरे ठीक कृष्ण बेटा क्या बना है, हाँ क्या होता है वो मैं समझ नहीं रहा हूँ, एक एक टुकड़ा लेना सैंपल, ठीक है। हाँ जी हाँ जी बोलिए, ये टाइम हो रहा है ना सब। हाँ हरे कृष्ण कौन जी, हाँ ना बोलिए बोलिए बोलिए, कोई समस्या नहीं, हो गया। हाँ जी नहीं क्लियर है जी, पॉइंट आ गया था मेरा। हाँ, तुम्हें क्या है कि वो अधिकार किसका है भक्ति करने का, वो तो भौतिक स्तर है अभी तक। साधन भक्ति में जब तक हम आसक्ति तक नहीं पहुंचते तब तक सब कुछ भौतिक ही है। तो भाव भक्ति के उदय होने का मतलब है उस वक्त क्या होता है कि भगवान की संवित शक्ति और अलादिनी शक्ति किसी भक्त की कृपा से, भगवान की कृपा से हमारे हृदय में प्रकट होगी, तब जाके ये सब आध्यात्मिक हो जाएगा। जी हाँ, तो वैसे कहते हैं यज्ञ का उद्देश्य क्या है, बोला यज्ञ का उद्देश्य है भौतिक चीज को आध्यात्मिक करना। तो ये संकीर्तन यज्ञ है, इसके द्वारा हमारी सारी भौतिक क्रियाएं आध्यात्मिक बनानी है। ठीक है भैया, हरे कृष्ण। थैंक और कोई प्रश्न? बरसात आज हो रही है दिल्ली में भी? जी प्रभु जी, सुबह से लगी हुई है। नहीं भारी होगी वैसे, मेरे ख्याल में वो तू हरिकेन का इफेक्ट है, यहाँ भी हो रही है सुबह से, क्या कल से हो रही है। चलो हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद।